इस्तेमाल नहीं करना था मेरे को। पहली बार मैं दिल्ली मेट्रो स्टेशन से ट्रेवल करने वाली हूँ, मेरे को समझ नहीं आ रही है क्या मतलब है पिंक रेड ब्लैक ब्लू लाइंस, पता नहीं इसको क्या मतलब है। तो अभी मैं हूँ उत्तराखंड, कल थी मैं यूपी में, अभी जा रही हूँ मैं दिल्ली। डंगरों की तरह ट्रैवल कर रही हूँ, कुछ रीजन से बताती हूँ थोड़ी देर पर। तो जहाँ से मैं ट्रीटमेंट करवाने गई थी वहाँ पे ट्रीटमेंट तो अच्छी थी पर वहाँ पे रहने खाने का बहुत बेकार था, इसलिए वहाँ से निकल आए और वहाँ पे बताया भी नहीं कि हम जा रहे हैं। अभी आज के पैसे दे दिए, जितने आज के पैसे बनते थे तो हम निकल आए। और दिल्ली में भी एक जगह है वहाँ पे खाने पीने का है, इसलिए मैं दिल्ली जा रही हूँ। तो अभी मैं बस में बैठी हूँ और दिल्ली जा रही हूँ, और जो मेरा फ्रेंड है वो मेरे साथ ही है पर वो रास्ते में उतर जाएगा, उसका घर रास्ते में ही आ जाएगा। बाय। अब यहाँ से आगे मैंने अकेले जाना है, वैसे अंकल साथ हैं। हमारी हीरा पार्टी हो रही है। थैंक गॉड गाड़ी कहीं रुकी, मुझे लगा गाड़ी रुकेगी नहीं सीधे दिल्ली, मुझे लगा गाड़ी रुकेगी नहीं सीधे दिल्ली जाएगी, पर रास्ते में खाना खाने के लिए रोका हुआ है। तो मैंने मंगवाया पनीर दही और फुल्का, ये पनीर इतना पुराना है मेरे को खाया नहीं जा रहा, मैंने बस आधा फुल्का खाया किसी तरह। भैया बोलते हैं आइसक्रीम 50 की है, पता नहीं इसमें 50 की क्या बात है। जो इसका मेन मालिक 50 की क्यों है आ रहा है, जो मेन मालिक अभी बैठा है, मेन मालिक हाँ लिखा 50 बता देगा उसे पनीर की 50 की है ना पक्का। खा के देखती हूँ 50 वाली बात है कि नहीं इसमें। नॉर्मल है, 20 रुपए तक की होनी चाहिए। अब मैं खाऊंगी ये, पता नहीं क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, भेलपूरी। नाउ ईटिंग भेलपूरी फॉर द फर्स्ट टाइम। मेरे हिसाब से बहुत मिर्ची है इसमें, बहुत ज्यादा। We shared the pieces of ourselves, it's perfect timing now. We fueled the flames, but we're still learning to trust. It's never enough, never enough. Burning me up. Don't fight the fire, too much, too fast. We'll burn us out, we walk the wire, love. Don't make me read your mind, I know where. साढ़े पाँच बज रहे और मैं दिल्ली पहुंच गई हूँ, मेट्रो स्टेशन के बाहर हूँ और बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ हैं, और पता नहीं क्यों मेरा बैग अचानक से बहुत भारी हो गया और ये सारी सीढ़ियाँ चढ़ के जाना है ऊपर, और फिर मैं जाऊँगी अपनी फ्रेंड के घर जो मेरे ब्लॉग में होती थी जब मैं हॉस्टल में रहती थी। तो अगर आपने हॉस्टल वाले ब्लॉग देखे तो आपको पता होगा किसकी बात कर रही हूँ। बहुत सीढ़ियाँ हैं यार, चलो ट्राई करती हूँ। NSP की टिकट, NSP क्या करना है इसको यार, इस्तेमाल ही करना था मेरे को। भैया भी हाँ थैंक यू। अरे कहाँ पहुँच गई? ये दिल्ली मेट्रो स्टेशन है, यहाँ पे तो पहली बार आई ना, बड़ी जगह बहुत। हाँ पहली बार मैं दिल्ली मेट्रो स्टेशन से ट्रैवल करने वाली हूँ, वो भी अकेले। अकेले का मैं हूँ ना साथ, मतलब कोको के साथ अकेले मैं हूँ साथ, तो अकेले कैसे मतलब कोको के साथ। पता नहीं पहले कभी किसी मेट्रो में घुस जाऊँ फिर कभी किसी मेट्रो में घुस जाऊँ। अब तो मैं एग्जिट की जगह पता नहीं पिंक लाइन में जा रही थी, मेरे को समझ नहीं आ रही है क्या मतलब है पिंक रेड ब्लैक ब्लू लाइंस, पता नहीं इसको क्या मतलब है। और पता नहीं एग्जिट कहाँ पे है, मेरे को एग्जिट की तरफ जाना है। इस लड़की का मैं आपसे कब से वेट कर रही हूँ और मेरा फोन डेड हो गया, फिर मैंने फोन चार्ज करवाया। वेलकम टू दिल्ली। हेलो दीदी, मेरे कुछ नहीं लाई। आपके लिए तो सब कुछ है, कम। ओके। मेट्रो में मेरे को सब ऐसे देख रहे थे जैसे मैं पागल हूँ। हेलो मैडम की स्कूटी की चाबी घूमगी, बताना चाबी कहाँ से मिली। डोंट टेल एनीवन। चाबी कहाँ से मिली?
तभी आने की। ये मैं आपका बैग यहां यहां अभी अभी जस्ट अभी जस्ट मिलने के भैया थैंक यू। ये मैंने हेलमेट रख रही थी ना, मैंने कहा यार अभी तो मैं खोल रही हूं गई का। एक सेकंड में चाबी घुमा दी। एक घुमे नहीं थी, यही लगी हुई थी, आपसे बात कर रही थी आंटी से तब। तो मैं श्वेता के घर खाना खा रही हूँ और इसने बनाया पनीर कैप्सिकम, पता नहीं क्या बोलते हैं, और जो दिन को पनीर खाया था उसको उल्टा भी बोलिए। ये मतलब इतनी टेस्टी सब्जी मैंने लाइफ में कभी नहीं खाई। हाँ झूठी, अरे सच में कभी नहीं खाई, कभी नहीं खाई। मेरी किस्मत मेरी बेस्ट है ये, बेस्ट। हाँ कि लोग पुंछ से आगे वही सब्जी खा रहे हैं। तो ये श्वेता के घर में डे टू है, मतलब कल शाम को ही पहुंची थी। ये पुदीना तोड़ रही है पुदीने की चटनी बनाने के लिए। आप पूरा आपका सात्विक ध्यान रख रही हूँ ना, सात्विक एकदम। और यहाँ से छत से व्यू देखो कितना सही है, ये देख के दिल्ली तो लग ही नहीं रहा। ये देखो यहाँ पे एवरीडे बिजनेस फ्लावर लगा हुआ है जो मेरे घर लगा है, जिससे मैं मेकअप करती हूँ। एक ले लूँ? आप सारे ले लो। चिंटी उसे है, इससे मेकअप करके देखती हूँ। इससे मैं मुँह पर लाली लगाती थी पिछले गर्मियों के ब्लॉग्स में। लगा? आप खुद लगाओ। गालों पे लाली, होठों पे, होठों पे क्या ग्रीन ग्रीन भी कर दे। देखो हुआ? हाँ मस्त हो रहा, मस्त हो रहा। आया कलर? हाँ 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 आया हो एकदम एकदम। वाह हाँ, गाल पे और एकदम रगड़ दो एकदम। ये लो अभी, ये भी लगा लो। हाँ आपको रेड ग्रीन जो अच्छी लगे ले लो। दोनों तोड़ दो। हाँ दोनों तोड़ लो। ये मैंने ये बताओ किसका वो है? ये हल्दी का पेड़ है यार, ऐसा कैसे हो सकता है? इसके नीचे हल्दी है जड़ में। जब होंगे मेरे को देखना। गिर क्यों गए आप? मोटी हो रही हूँ ना तो वेट नहीं संभाला जा रहा। ये सीढ़ियाँ देखो कितनी सही है, मेरा पाँव फिट नहीं आ रहा, बल्कि मेरा पाँव इतना छोटा है फिर मेरा पाँव नहीं फिट आ रहा। देख लो 2.5 नंबर नहीं फिट आ रहा, 5 नंबर कैसे फिट आ रहा होगा यार? ये कैसी सीढ़ियाँ यार, ये कैसी सीढ़ी, किससे बनाएंगे, किस डंगर ने बनाएंगे? यहाँ से कभी कोई गिरा? गिरा होगा पक्का। तो ये बन रही है चटनी, कड़क है। श्वेता इज ट्राइंग टू गिव मी कड़क चाय। और ये देखिए एक घंटे से बन रही है। मैंने बोला मेरे को इसमें पीनी है, इसमें मज़ा नहीं आता। नहीं तो इसमें इसमें मज़ा आता है। तो आज 5th of October और ये वीडियो है 8th of September की, मतलब लगा लो ऑलमोस्ट एक महीने बाद ये वीडियो डाल रही हूँ मैं। और मैं तब से दिल्ली में ही हूँ और मैं व्लॉग ही नहीं कर रही यार यहाँ पे आके। मैं अपने पुराने व्लॉग भी एडिट नहीं कर पा रही हूँ। मुझे अभी थोड़ा पेन कम हुआ है पर मेरा पेन सर्वाइकल का काफ़ी ज़्यादा हो गया था, इसलिए मैं फ़ोन भी नहीं पकड़ पा रही थी। व्लॉगिंग तो दूर की बात है, मैं पुराने व्लॉग्स भी एडिट नहीं कर पा रही थी। तो मैं धीरे धीरे 7-8-9-10 दिन लगा के एक व्लॉग एडिट कर रही हूँ और पोस्ट कर रही हूँ। तो दिल्ली का मैं व्लॉग ही नहीं बना पा रही यार, थोड़ा थोड़ा रोज़ शूट करती हूँ लेकिन प्रॉपर व्लॉग नहीं बना पा रही, जिस कारण इतने लेट व्लॉग आ रहे हैं। तो मैं ट्राई करूँगी थोड़ा पेन मेरा कम हो तो फिर मैं थोड़ी यूट्यूब पे कंसिस्टेंसी दिखा पाऊँगी, नहीं तो बाद में मेरे को बुरा लगेगा कि दिल्ली की जर्नी मैंने रिकॉर्ड नहीं करी। पर आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपसे थोड़ा रेगुलर हो जाऊँ मे बी। हुआ ये कि जहाँ पे मैं ट्रीटमेंट करवाने, तो जहाँ पे मैं ट्रीटमेंट मुझे निकल ले रहा।